कौन सी वाली? ओह हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो हमेशा आधे अधूरे नॉलेज के कारण होती है, तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत खराब होता है। वही फिलहाल हमारे बीच में हुआ, जो सारिका है उसने कुछ आधी इन्फॉर्मेशन ग्रैब की, फिर वो बीच में भाग गई, और जब आई तो उसको जो बाकी का आधा सुनाई में आया उसमें उसको बहुत कन्फ्यूजन हो गया। एंड राइट नाउ आई एम नॉट इवन अवेयर अबाउट इट कि वो मुझसे इतनी नाराज या खफा या व्हाटएवर मुझे मिसअंडरस्टैंड करके बैठी है। एक्चुअली क्या होता है, जब कहते हैं कि आप जब सुख दुख के साथ ही बन जाते हो तो अपने आप सारी केमिस्ट्रीज लाइन पे आने लगती हैं, तो हमारे साथ अभी वही हो रहा है कि सुख में तो हम लोग साथ में थे ही, दुख में भी आज हम लोग एक साथ खड़े हैं एक दूसरे के, और इसीलिए अब दुख भी थोड़ा कम सा लगने लगता है। मैंने रियलाइज़ किया कि हमारा रोमी जो है अब बीवी बच्चे वाला हो गया है, उसकी फैमिली बड़ी हो गई है, सो डेफिनेटली ही नीड्स मोर स्पेस नाउ। वो उनके पीछे BGM बज रहा है, खिलौना जानकर तुम क्यों मेरा दिल तोड़ जाते हो, तो वो फिलहाल यही सोच रहे हैं कि वो खिलौने थे या उनका दिल खिलौने का हो गया है कि लोग उनको इतना अवॉइड कर रहे हैं इस घर में। सो इज वेरी सैड राइट नाउ। ऑब्वियसली कोई ताया अगर किसी बच्चे अपने भतीजे के लिए कोई गिफ्ट्स लेकर आया और वो एक्सेप्ट नहीं हो तो बुरा लगता है। सो इट्स वेरी सिंपल ताया। और हमारी अशिका जो है उनका दिल तोड़ने की कोशिश, हमारा दिल तो पहले ही जुड़ा हुआ है, ऑडियंस को पता है उनका फिलहाल मतलब जो अच्छा टूटे हुए दिल के टुकड़े जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ आजकल क्या है, सेल्फी बहुत वोग में है ना, तो आजकल सल्लू भैया की सेल्फी सब लोग को हंसा देती है, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। रमन का पापा के साथ झगड़ा हो गया, उसका भी गुस्सा भी हो गया, तो क्या हुआ? मैं सोच रही कौन सा नंबर का गुस्सा, मतलब कौन से नंबर का झगड़ा, इतने झगड़े हुए हैं ना हमारे घर में पिछले कुछ दिनों में, सब आउट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ऐसा होता है हर परिवार में कि एक बात से दूसरी बात बन जाती है, दूसरे से तीसरी, और होते होते तिल का ताड़ और किसका पहाड़ बनता है, तिल के नहीं तिल का ताड़ बनता है, राई का पहाड़। तो बात से बतंगड़ होती गई, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बन गया। आगे मोहब्बतें होंगी, ये है मोहब्बतें।